दोस्तों, क्या आप भी व्हाट्सएप के होम स्क्रीन के फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं? मान लो कि आपकी व्हाट्सएप की होम स्क्रीन पर जो है वो सिंपल फॉन्ट आ रहा है, आप उस फॉन्ट को जो है वो स्टाइलिश फॉन्ट में जो है वो लेकर आना चाहते हैं, आप अपने व्हाट्सएप की होम स्क्रीन को जो है वो स्टाइलिश फॉन्ट में लेकर आना चाहते हैं, तो आप कैसे लेकर आ सकते हैं? आप अपने व्हाट्सएप की होम स्क्रीन पर जो है वो स्टाइलिश फॉन्ट कैसे लगा सकते हैं? दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपनी व्हाट्सएप की होम स्क्रीन पर जो है वो स्टाइलिश फॉन्ट कैसे लगा सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले आपने जो है वो प्ले स्टोर में चले जाना है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको सारी प्रोसेस समझ में आएगा, क्योंकि दोस्तों व्हाट्सएप में तो जो आपकी होम स्क्रीन का जो है फॉन्ट जो है वो चेंज नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उससे ही आपकी व्हाट्सएप की होम स्क्रीन का जो है वो फॉन्ट चेंज होगा। आपने प्ले स्टोर में जाना है, उसके बाद में आपने यहाँ पर ऊपर की तरफ सर्च करना है जेड फॉन्ट, तो आपने ये लिखकर जो है वो सर्च कर देना है। जेड फॉन्ट लिखकर सर्च करने के बाद में आपको जो पहले जो ऊपर की तरफ एक ऐप दिख रहा होगा जेड फॉन्ट 3, आपने ये जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि मैंने इसे इंस्टॉल किया है, उसके बाद में आपने करना क्या है, आपने इस ऐप को जो है वो ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप इस ऐप को ओपन करोगे, उसके बाद में दोस्तों आपसे ये थोड़ी सी परमिशन मांगेगा, आपने उस परमिशन को जो है वो इस ऐप को दे देनी है। उसके बाद में फिर आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, उसके बाद में आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर कर देने सी ऑल वाले ऑप्शन पर कर देने क्लिक। सी ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, उसके बाद में आपने करना क्या है, जो भी आपको फॉन्ट जो है यहाँ से जो है वो पसंद आ रहा है, जिसको आप अपनी व्हाट्सएप की होम स्क्रीन पर लगाना चाहते हैं, आपने उसको जो है वो इंस्टॉल कर लेने हैं, डाउनलोड कर लेने हैं। जैसे कि मैं इसको जो है वो इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसको इंस्टॉल करने के बाद में मैं यहाँ पर जो है, जैसे कि मैंने ये पहले ही डाउनलोड करके रखा है, तो मैं यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर आएगा चेंज फॉन्ट, तो आपने यहाँ पर करना है क्लिक। उसके बाद में आपने करना कुछ नहीं है, उसके बाद में आपने बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद में आपने जो है वो फिर अपनी फ़ोन की सेटिंग में जाना है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको सारी प्रोसेस समझ में आएगा। उसके बाद में आपने अपनी फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना है। उसके बाद में आपने नीचे की तरफ को जाना है। नीचे की तरफ को जाने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, लैंग्वेज एंड इनपुट, तो आपने यहाँ पर लैंग्वेज एंड इनपुट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देने हैं। जैसे दोस्तों आप लैंग्वेज एंड इनपुट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, उसके बाद में दोस्तों आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर, ऐसा यहाँ पर जो है वो आपके यहाँ पर जो है वो इंडिया सेलेक्ट होगा, तो आपने यहाँ पर करना है क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपने इंडिया से हटाकर जो है यहाँ पर म्यांमार कर देने हैं। जैसे कि यहाँ पर म्यांमार है, तो आपने ये सिलेक्ट कर देने हैं। उसके बाद में दोस्तों आपने ये सिलेक्ट करने के बाद में आपने बैक जाना है। बैक जाने के बाद में फिर दोस्तों आपने करना क्या है, आपने जो है यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों, आपने अपनी फ़ोन की सेटिंग में ही जो है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फॉन्ट स्टाइल, तो आपने सिंपली से यहाँ पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप फॉन्ट स्टाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, फिर आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों, जो फॉन्ट आपने जो है वहाँ से उस ऐप से डाउनलोड किया था, वो फॉन्ट आपके यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि मैंने ये वाला फॉन्ट ही जो है वहां से डाउनलोड किया था, तो ये फॉन्ट जो है मेरे यहां पर आ गया। उसके बाद में आपने करने गया है, जैसे कि ये टिक जो है यहां पर लगी है, तो आपने इसे हटाकर जो है यहां पर क्लिक कर दें। जैसे ही दोस्तों आप इस पर टिक लगा दोगे, उसके बाद में दोस्तों आपकी व्हाट्सएप की होम स्क्रीन का और आपकी सेटिंग में जो भी आपका फॉन्ट होगा वो सारी आपका जो है वो चेंज हो जाएगा, आपके पूरे फोन का ही जो है वो फॉन्ट चेंज हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे आप अपनी व्हाट्सएप की होम स्क्रीन का जो फॉन्ट है वो चेंज कर सकते हो। दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी जो आज मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा ही ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।